खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जेजेपी पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम का एक बयान आया है, दुष्यंत के खिलाफ काफी कुछ कहा है उन्होंने, क्या मानते हैं? देखिए, राम कुमार गौतम तो हमेशा से चौधरी देवलाल की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने चौधरी देवलाल के खिलाफ बयानबाजी की और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ बयानबाजी करी। उसके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह के खिलाफ भी बयानबाजी करी। उन्होंने तो पूरी राजनीतिक सफर में हमेशा चौधरी देवलाल के परिवार के खिलाफ ही चले हों। और ये जो जेजेपी वाले हैं दुष्यंत चौटाला जी, इन्होंने पार्टी से अलग होकर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग होकर, जितने भी स्वार्थी टाइप लोग थे जो इंडियन नेशनल लोकदल से गद्दारी करके गए, चाहे उसमें कृपाराम पुनिया हो, चाहे ईश्वर सिंह हो, चाहे और हो, सबसे पहले उनको अपने स्वार्थ के तहत अपने साथ जोड़ने का काम किया था। तो मेरा तो मानना यही है, 100% आप मान के चलिए, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या मानते हैं, इनका गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा? देखो, हालात तो ये हैं, जो सुनने में आ रहा है कि ये जो गठबंधन है ठगबंधन है, दिलों का गठबंधन ही है ये। हम तो देखते हैं बीजेपी जेजेपी का वर्कर आज भी एक उनके बीच में खाई है ना, वो कोई मिल के काम करते ना कोई मिल के मीटिंग करते हैं, सभी अब अपनी दफली बजाते हुए चल रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि अब इस ठगबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये खाली राम कुमार गौतम ही इनके खिलाफ नहीं है, इसके अलावा 6-7 MLAs और हैं जो खुद राम कुमार गौतम ने बताया है कि कोई खुश नहीं है, अपनी MLA कोई बदली करवाने के लिए इनके पास जाना पड़ रहा है, रह रहे करते आंटते हैं, टह टह करते आंटते हैं। ये तो खुद राम कुमार गौतम ने अंदर खाते की बात बताई है। तो मेरा तो मानना यही है कि बीजेपी और जो जेजेपी का जो एक ठगबंधन है, स्वार्थ गठबंधन है, वो जल्द ही मतलब टूटने जाएगा और सरकार भी जल्दी मतलब गिरने के आसार पे पहुंच जाएगी जी। और मैं तो आपको बताना चाहूँगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पीछे आए हुए थे, उन्होंने खुद कहा था अपने दादा को तो दादा नहीं कहते, दूसरे दादा को किराए पे दादा लेकर उसको दादा दादा कहते आते। अब मैं तो मानूंगा और इनको भी सलाह दूंगा, अभी इन्होंने और कोई दादा टोना पड़ेगा, कोई किराए का दूसरा तीसरा दादा और टोए हुए। तो उससे अच्छा अपने दादा को अपने दादा मान के चलते, उसका मान सम्मान करते और प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की एक साफ सुथरी सरकार होती, ताकि युवाओं को रोजगार मिलता, किसानों को सारी हर तरीके की सुविधाएं मिलती, उनके लिए काम किया जाता, हर छोटे बड़े व्यापारी के लिए अच्छे उनके पक्ष में काम किए जाते। बताना चाहूँगा, जो खुद के परिवार के साथ अपने चाचा और दादा के साथ गद्दारी करके गए, पार्टी को दो फाड़ करके गए, अब उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो अब उनको दुख मानने की भी जरूरत नहीं है। गद्दारों के साथ अगर गद्दारी करी जाए, मैं तो उसको गद्दारी भी नहीं मानता।